जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको शोपन में अपने देवता से, अपने इष्ट से बात करने का प्रयोग दे रहा हूँ। बहुत ही अचूक प्रयोग है। आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्री लेनी है, वो सब लिख लीजिए आप। सामग्री में आपको सपनेश्वरी देवी का चित्र चाहिए, एक जलपात्र चाहिए, केसर चाहिए, अक्षत चाहिए, धूप और एक दीपक। माला आपके रुद्राक्ष, समय रात्रि का रहेगा जो भी आपको संभव लगे 9 बजे के बाद। आसन सफ़ेद रंग का सूती आसन रहेगा। अवधि जो आप संभव सोच सकें, जितने दिन में आप कर सकें। दिशा पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अवधि जो भी आपको अच्छा लगे। जप संख्या 51,000। मंत्र लिख लीजिए, मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीम विचित्र वीर्य सपने इष्ट दर्शन नमः। ओम ह्रीम विचित्र वीर्य सपने इष्ट दर्शन नमः। ओम ह्रीम विचित्र वीर्य सपने इष्ट दर्शन नमः। अब आपको प्रयोग कैसे करना है वो सुन लीजिए। सामने स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र कांच के फ्रेम में मढ़वाकर अपना जहाँ पूजा करोगे पूजा स्थान पर बाजेट पर रख लीजिए। धूप बत्ती दीपक लगाइए, पूजा कीजिए। प्रसाद फूल जैसे भी आप बनता है ऐसी पूजा कीजिए। किसी भी रविवार को मंत्र प्रारंभ करना है। जब मंत्र पूरे हो जाएं तो जिस रात्रि को आपने अपने इष्ट या देवता से बात करनी है उस रात्रि को एक बार मंत्र का उच्चारण कर सो जाएं, या फिर पहले दिन आपको बात न हो पाए तो इस मंत्र को 108 बार जाप करके सोएं, आपको अपने इष्ट या देवता से बात हो जाएंगी। ये जो प्रयोग है बहुत ही सरल है, अचूक है, सौम्य है। इसमें कोई बाधा नहीं आती है, कोई उपद्रव नहीं होता है। लेकिन फिर भी सच्चे मन, लगन, अटूट विश्वास और श्रद्धा की साधना में ज़रूरत होती है। प्रेम की ज़रूरत होती है, भाव की ज़रूरत होती है और भक्ति की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगत के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। तो इसलिए दोस्तों, जो भी साधना आप करते हो, जिस भी देवी की आप साधना करते हो, उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति, स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल।